Hey, what's up YouTube? Welcome back to my channel and to another video. Now, the scene is all about modification. And आज के इस वीडियो में हम लोग अपने लेके आए हैं fully modified Yamaha R15 V3. ऑलराइट गाइस, तो गाइस हमारे सामने अभी टोटली मॉडिफाइड R15 V3 ओवरऑल जो लुक है काफ़ी अच्छा है. फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है. स्पेशली जो कलर स्कीम है काफ़ी अच्छी है इस बाइक की. आपको जैसी भी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना. नाउ इसमें लगा हुआ है एक्रा पावे का आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट. नाउ एग्जॉस्ट नोट की बात करते हैं तो एट दी एंड आपको ज़रूर से सुनाऊंगा अच्छे से, बाकी आप क्लिप्स में पता चल ही जाएगा एग्जॉस्ट नोट. नाउ टायर का जो कलर स्कीम है ये थोड़ा KTM से मैच करता है, काफ़ी कूल लग रहा है इस बाइक में अभी फ़िलहाल. नाउ यहाँ पर किया है गोल्डन कलर R6 का लुक देने के लिए, प्लस KTM के यहाँ पे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं. एंड ओवरऑल जो मास्क का फ्रंट लुक है वो R6 का टच देता है यहाँ पे, प्लस बबल वाइजर लगा हुआ है, विंगलेट लगे हुए हैं. एंड टोटली जो लुक है डिफरेंट है, डिफरेंट अवतार में देखने को मिलती है आपको ये वाली V3. और भाई जैसे सामने में हमारे तीनों बाइक, पहली हमारी R15S एंड सेकेंड वाली है रणवीर की पल्सर NS200. एंड आज जिस पे हमारा वीडियो है वो है हमारी R15 V3 फुल्ली मॉडिफाइड. एंड यहाँ पे लगा हुआ है इसमें एक्रा पावे एग्जॉस्ट. So yeah, here we go for a short spin. काफी loud है guys. Okay, so here we go. काफ़ी लाउड है बाइक. पहला इंप्रेशन तो एग्जॉस्ट को लेके ही है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लाउड है, काफ़ी ज़्यादा शोर मचाती है बाइक. प्लस यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है बाइक का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्विक है. नाउ R15S एंड R15 V3 में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है. मेन जो डिफरेंस है ये है फुल्ली मॉडिफाइड एंड हमारी R15 फुल्ली स्टॉक बाइक. सो लाउड तो ऑब्वियसली है ही, प्लस पावर में भी थोड़ा फर्क पड़ता है, बिकॉज एग्जॉस्ट चेंज होने के बाद में पावर बढ़ती है. एंड उसके बाद में जो रिस्पॉन्स आता है वो कुछ ऐसा आता है, काफ़ी फास्ट हो जाती है बाइक, काफ़ी क्विक हो जाती है. एंड ओवरऑल काफ़ी कुछ लगा हुआ है बाइक में, फुल्ली मॉडिफाइड ये बाइक है. एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं एक R15 V3 को राइड कर रहा हूँ, स्पेशली ये है मॉडिफाइड. सो या नो डाउट अगर आप इसको लेके जाते हो लॉन्ग राइड्स पे तो वहाँ पे आप ज़रूर से इस बाइक से पकने वाले हो बहुत जल्द, बिकॉज इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो आपके कान बिल्कुल एकदम बजा देता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लाउड है. ओवरऑल पॉस्चर काफ़ी अच्छा है बाइक का, थोड़ा सा आपको ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन लेनी होती है V3 में ऑब्वियसली. हैंडल बार थोड़ा लो साइड पे इसका. एंड ओवरऑल गियर शिफ्टिंग काफ़ी अच्छी है, 6 गियर में भी हम लोग चल रहे हैं. एंड हमारी जो स्पीड है वो है कुछ 86-85 किलोमीटर पर आवर. वो करता हूँ आपको आवाज़ अच्छे से आ जाए, बिकॉज एक तो पहले से ही इसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड है, प्लस विंड ब्लास्ट. एंड यहाँ पे जो पेंट जॉब है काफ़ी अच्छा किया गया है, करंट मोटोमार्ट से ही हुआ है सारा काम, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले जब हम लोग चेन लूप लेने गए थे. ओके, सो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स एंड हमारी R15. सो या करंट मोटोमार्ट से इस बाइक का पूरा काम हुआ है. एंड जो एक अच्छी बात है इस बाइक के लेके, R15 V3 को लेके, रोड पर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है बाइक. आप कितनी भी स्पीड पे हो, ऑब्वियसली ज़्यादा हाई स्पीड पे जाओगे तो वाइब्रेशन आपको ज़रूर फील होंगे, बट स्टेबल बाइक आपकी काफ़ी रहती है वाइब्रेशन. अभी इस स्पीड पे हम लोग चलते हैं 100 किलोमीटर तक आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता. ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी है, इम्प्रेसिव है. ऑलराइट
गाइस, तो गाइस हमारे छोटा सा वीडियो फुली मॉडिफाइड आर फाइव वी थ्री को लेके। नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने एक आर फाइव वी थ्री को राइड किया है। प्लस एक्सपीरियंस की बात करते हैं हम लोग तो काफ़ी क्विक है बाइक, एंड देन साथ ही साथ में मॉडिफिकेशन जो हो रखी है बाइक में वो है नेक्स्ट लेवल की। स्पेशली यहाँ पे जो कलर स्कीम है रेड एंड वाइट वाला, वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करता है लुक्स को, एंड देन साथ ही साथ में जो आर सिक्स का मास्क है वो भी काफ़ी अच्छा लुक देता है इस बाइक को। ना आपको जैसा भी लगता है कमेंट करके जरूर बताना। एंड एग्जॉस्ट नॉट काफ़ी ज़्यादा लाउड था, आप में से कितने जनों को एग्जॉस्ट नॉट अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, जैसा भी लगता है कमेंट करके जरूर से बताना। होप करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर दो। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है आपको मेरे डिस्प्ले में शो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और कार या फिर बाइक के साथ में। टिल देन बाय।